मोबाइल शॉप। शॉप नंबर 5 रतनबुर्ज खाइलैंड मार्केट बूंदी। बूंदी में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आया बड़ा फैसला। मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई मृत्यु दंड की सजा। दोषी सुल्तान और छोटू लाल को सुनाई मृत्यु दंड की सजा। बूंदी के विशेष न्यायालय पोक्सो संख्या 2 ने सुनाया फैसला। केस ऑफिसर स्कीम के तहत था मामला। एसीपी समेत 10 थाना अधिकारी 200 जवानों ने पूरी रात दरिंदे को दबोचने के लिए छाना था जंगल। 12 घंटे में ही दरिंदों को पुलिस ने पकड़कर पहुंचा दिया था सलाखों के पीछे। हिंडोली उपखंड क्षेत्र के बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआं में की थी नाबालिग से बलात्कार कर हत्या। बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में किया गया था अनुसंधान। सर, निश्चित तौर पर इस जिस तरह के फैसले की उम्मीद की जा रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी छोटे लाल के पास की, तो छोटे लाल ने भी जो आशा नहीं थी उससे ज्यादा बढ़कर हैवानियत का कारण। बिल्कुल, देखिए मैसेज जाएगा, मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा अगर हम कृत्य करेंगे तो ऐसा दंड मिलेगा। ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा पूरी सोसाइटी के लिए है। आज रेप पीड़िता जो मर गई है उसकी आत्मा को ही नहीं पूरे समाज को एक शांति मिलेगी। मैसेज जाएगा आज रेप पीड़िता की आत्मा को शांति मिलेगी उसके परिवार से। न्यायालय का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, संपूर्ण न्यायपालिका का आभारी हूँ कि जो हमने कोर्ट में दलीलें पेश की थी और मृत्यु दंड की जो मांग की थी दोनों मुलजिमान के लिए, न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की मांग को स्वीकार करते हुए आज दोनों मुलजिमान सुल्तान और छोटे लाल को मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। ये राजस्थान का ही नहीं भारत का मुझे लगता है कि पहला मामला है जिसमें पोक्सो कोर्ट द्वारा दो मुलजिमान को मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। आर्थिक दंड कितना लगाया गया था? अभी हम फैसला ले रहे हैं और फैसले के अंदर बताएंगे। कुल 120,000 जिसके अंदर आजीवन कारावास है और एक सेक्शन ऐसा है जिसके अंदर दोनों 5J के अंदर दोनों मुलजिमान को मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। इसके लिए पुलिस बूंदी के SP श्रीमान जय यादव जी, एडिशनल साहब किशोरी लाल जी, समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण इस टीम में लगे हुए सब बधाई के पात्र हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। एक जब घटनाकारित हुई तो घटनाकारित होते ही तुरंत SHO मौके पर पहुंचे, SP साहब मौके पर पहुंचे, एडिशनल SP साहब किशोरी लाल जी मौके पर पहुंचे, पूरे घटना स्थल को सीज किया और 12 घंटे के अंदर मुलजिमान को अरेस्ट करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस ने बहुत किस निगाह से देखते हैं बाद से ही पुलिस ने इसमें काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की, मौके को सीज किया गया, SP साहब खुद मौके पर आए, सारे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, लगभग 200 जवानों के साथ हमने पूरे जंगल को सर्च किया। फिर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हमने इसको केस ऑफिसर स्कीम में डील किया और आज उसी का नतीजा है कि दोनों ही आरोपियों को मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया। इससे पुलिस में और उन आरोप पुलिस में भी विश्वास है कि उन्होंने एक अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किए हुए फैसले में अच्छा फैसला है। इसके साथ ही आरोपी जो इस प्रकार का कोई मन में महिलाओं के प्रति या माइनर बच्चियों के प्रति इस प्रकार की कोई अपराध के अकृत्य करने की सोचते हैं उनके सामने ये एक नज़ीर है कि इसके इस प्रकार की कोई वारदात करेंगे तो वो बच नहीं सकते। बूंदी मोबाइल शॉप, शॉप नंबर 5। हमारे यहाँ पर सभी ब्रांड के मोबाइल 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा, वाजिब दाम व आकर्षक उपहार के साथ उपलब्ध है। सैमसंग, आईफोन, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, वन प्लस व टेक्नो व अन्य ब्रांडेड मोबाइल एसेसरीज के साथ उपलब्ध है। बूंदी मोबाइल शॉप, शॉप नंबर 5 रतनबुर्ज खाइलैंड मार्केट बूंदी। दर्शन जो है आपका अपना विश्वास।